أشهد أن لا إله إلا الله. ये इमली की चटनी है, टमाटर वाली, ये जो है पीस की चटनी है, चिक पीस की चटनी है, ये हरी चटनी है सिंपल वाली, और ये जो चटनी है ये बाजार वाली है चटनी, इमली जिसमें ज्यादा होती है वो है इमली और अदरक और धनिया पत्ती पुदीना, यानी सारी चीज़ें बताई हैं, और ये दही की चटनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आसमा आर्या। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर चटनियाँ। मैं आज आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल चटनी लेके आई हूँ। तो ये देख सकते हैं आप ब्लेंडर में मैंने पुदीना डाला है काटा हुआ, 4 से 5 लहसुन के जवे डाले हैं, 1 टेबल स्पून मैंने जो है जीरा डाला है, और नमक हसब ज़रूरत डाला है, ये इमली का पल्प है, थोड़ी सी रेड चिली डालूँगी, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये मैंने 8 से 10 ग्रीन चिलीज लिए हैं साबित, ये मैं 1 गड्डी धनिया पत्ती डाल रही हूँ, हर चीज के साथ आप खा सकते हैं, आलू के पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, बस इसको। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लास्ट इंग्रेडिएंट अपना सरसों का तेल, ये देख सकते हैं टेक्सचर आपको शो करके, इसको आप पकौड़ों के साथ खाएं, फ्राइज के साथ खाएं, जो रमजान में बनती हैं बेसन वाली, और कचौरियों के साथ खाएं, दही बड़े के ऊपर डाल के खाएं, सबके साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त कोई लाजवाब लगेगी। तो नेक्स्ट चटनी हमारी बनने जा रही है टमाटर और पुदीने के साथ, और उसमें भी थोड़ी सी धनिया पत्ती चलेगी जाएगी, और इमली इमली ज़्यादा जाएगी। ये देखें ये टमाटर हैं, 2 टमाटर लिए हैं मैंने, नज़र आ रहा है, आई होप सो। अच्छा जी, 4 से 5 लहसुन के जमे हैं, ठीक हो गया, ये हमारा जीरा हो गया, ये सूखी लाल मिर्च है मेरे पास, अगर आपके पास बड़ी बड़ी हैं तो 4 से 5 ले लें, और अगर आप छोटी वाली गोल वाली हैं तो 8 से 10 ले लें, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें आप, ये मेरे पास पुदीने का पेस्ट बना हुआ रखा है, और थोड़ा सा इसमें धनिया है, ज़्यादा पुदीना है और थोड़ा सा धनिया है, अगर आपने 1 प्याली पुदीना लिया है तो इसमें जो है क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कहते हैं 1/4 कप जो है आपका जाएगा धनिया, धनिया हरा धनिया सिर्फ 1/4 कप जाएगा, ठीक। इन दोनों चीज़ों का पेस्ट मैंने डाल दिया, क्योंकि इसमें लींबू जाता नहीं है तो इसमें इमली का पल्प ज़्यादा जाता है, ये पूरा 1 कप मैंने इमली का पल्प डाला है, बस ये मोटे मोटे चंक्स हैं अदरक के आपने डाल देने हैं और इसका पीस लेना है, मेक श्योर कर लें कि ये बिल्कुल अच्छी फाइन पिसाई, जितनी अच्छी पिसाएगी उतनी अच्छी लगेगी, अगर टेक्सचर बहुत दरदरा सा होगा तो अच्छी इतनी नहीं लगेगी। अब आप देखें ये हमारी चटनी तैयार है, अब हम तीसरी चटनी की तरफ आ गए हैं, और ये पुदीना और धनिया पत्ती बराबर पीसी हुई है, इसमें पोर्शन जो है दोनों गड्डियों की सेम है, तो 1 प्याली पुदीना लेंगे, 1 प्याली धनिया पत्ती लेंगे, इसको पीस लेंगे, ये आप देख सकते हैं 1 कप ही, 1 कप हमारी इमली है, 3 से 4 मैंने लहसुन के जवे हैं ये डाल रही, नमक अपने
अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। ये बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी, जो टिक्कों के साथ भी खाई जा सकती है। सफेद तिल, ये फाइनल लुक देख लीजिए हमारी इमली की चटनी की। अब हम अपनी चौथी चटनी शुरू स्टार्ट करते हैं, जो दही से बनेगी और उसमें दही की पोर्शन ज़्यादा होगा और उसमें कुछ चीज़ें आपको मिलानी है, जिससे जब आप उन सब चीज़ों को एक साथ यकजान करेंगे, मिक्स करेंगे, तो एक न्यू किस्म की चटनी बनके तैयार होगी और जो कि बहुत ही मज़े की लगेगी। जिसमें सबसे पहली चीज़ ये धनिया पत्ती पुदीने का पेस्ट है, ठीक। इसमें लहसुन और ज़ीरा और हरी मिर्च एडेड है। इमली का पल्प डाल रही हूँ। आपके पास चिकन गार्लिक सॉस है और या आपके पास चिली गार्लिक सॉस है, आपके पास टमाटो केचप है तो वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। इसको ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छी बनती है। 2 टेबल स्पून है ये मैंने हाफ कप ले लिया है। अपने वेस की मदद से इसको आपने मिक्स कर देना अच्छा सा और ये बहुत ही ज़बरदस्त। इसके बाद जो मैं चटनी सिखाने जा रही हूँ वो मैं चिक पीस की सिखाने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको वीडियो आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपके रमज़ान को इंशाल्लाह, हमारे रमज़ान को, आप हम सबके रमज़ान को मज़े में भर देगी। बिल्कुल अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। मेक श्योर कर लें कि हर चीज़ बिल्कुल आपस में मिक्स हो गई है। ज़रूर ट्राई करें ये चटनी। मैं ये चिक पीस की चटनी तैयार करने लगी हूँ, जिसके लिए हमें चने चाहिए होंगे। ये मैंने एक कैन लिया है, स्मॉल कैन है। धनिया पत्ती पुदीने का पेस्ट 2 टेबल स्पून, मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगी कि आप ये धनिया पत्ती पुदीने का पेस्ट बना के रख लें, ताकि आप लोगों को आराम हो जब भी आप लोगों को कोई भी चटनी बनानी हो, क्योंकि चटनियों में धनिया पत्ती पुदीना तो जाना ज़रूरी होता है। और ये 2 टेबल स्पून इमली का पल्प है और ये मैं मस्टर्ड ऑयल डालने लगी हूँ, 2-3 टेबल स्पून। बस आपने इसको इतना अच्छा सा पीस लेना है। और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना आप खाते हैं हम लोग। धनिया पत्ती पुदीने का पानी और ऐड कर रही हूँ। और थोड़ी सी लाल मिर्चें, ये देखें इसका इस तरीके का टेक्सचर होगा। ये हमारी सारी चटनियाँ तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इन चटनियों के साथ अपने इफ्तार को एंजॉय करेंगे रमज़ान में और ट्राई करेंगे, ज़रूर ट्राई करें।
ये इमली की चटनी है टमाटर वाली, ये जो है पीस की चटनी है, चिक पीस की चटनी है, ये हरी चटनी है सिंपल वाली, और ये जो चटनी है ये बाजार वाली जो चटनी इमली जिसमें ज़्यादा होती है वो है इमली और अदरक और धनिया पत्ती पुदीना, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। और ये दही की चटनी है और ये लाल चटनी है बीच में, जिसकी मैं आपको रेसिपी सिर्फ मुँह से बता देती हूँ। इसको आपने लहसुन दो 3 से 4 पोटली लहसुन ले लेनी है, और उसको आपने लाल लाल मिर्चों के साथ पीस लेना है और जीरे के साथ पीस लेना है। फिर उसको आपने थोड़े से तेल में डाल के पका लेना है, उसका तेल छूट जाए तो ये चटनी तैयार हो जाती है। तो ये भी चटनी बहुत अच्छी लगती है पराठों के साथ सेहरी में। जब तक के लिए चटनियों को एंजॉय करें, फिर मिलूंगी एक और स्पेशल वीडियो के साथ रमज़ान की। और हम सबको अपनी खूब खूब सारी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मोर मोर लाइक करें, मोर मोर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।